क्या करा, पढ़ने के लिए दे रहा हूँ? खुद तो पढ़ता नहीं है, मुझे भी नहीं पढ़ने दे रहा है। दीदी देखिए परेशान कर रहा है। क्या हुआ सुधा, क्या बात है देवू, क्यों परेशान कर रहे हो, क्या पढ़ रही हो? दीदी मैं 12वीं फंसी सीमा पाठ पढ़ रही हूँ। दीदी ने कहा था कि कल क्लास में यह पाठ पढ़कर आना, पर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या बताऊंगी? क्या नहीं समझ में आ रहा, ला मैं देखूं। तुम अपना काम करो। हाँ, बाढ़ में फंसी सीमा, ये कहानी है ना? जी दीदी। अच्छा मैं अभी बताती हूँ, अभी पूरा समझा दूंगी। हाँ जी दीदी। कल तुम अपनी मैडम को जाके पूरा समझा देना। नमस्ते दीदी। नमस्ते। अरे सुधा, आज खेलने नहीं चलोगी क्या? हाँ हाँ जरूर खेलने जाएगी, लेकिन पहले एक कहानी सुनाऊंगी मैं, ठीक है? आओ सब लोग बैठ जाओ। चलो इधर आओ देवू, तुम इधर बैठ जाओ। सारे बच्चे तो दिख रहे हैं, रमेश कहाँ है? दीदी कल रमेश के मामा मामी और उनकी बेटी रमेश के घर आए हैं, शायद इसीलिए उसे देर हो गई होगी। ओ हाँ, इसी वजह से देर हो गई होगी ना। हाँ चलो ठीक है, तो कहानी शुरू करते हैं। हाँ रमेश तब तक आ ही जाएगा। अरे आ तो क्या रमेश? क्या बात है रमेश, बहुत उदास दिख रहे हो, घर पर सब ठीक तो है ना? दीदी घर पर तो सब ठीक है, पर मामा के गांव में बहुत पानी बरसा, 3 दिन तक लगातार पानी बरसता रहा, मामा का घर और खेत सब पानी में डूब गया। मामी और राधा को लेकर किसी तरह मामा घर आए हैं, राधा तो बहुत रो रही है। लगता है तुम्हारे मामा के गांव में बाढ़ आई है। दीदी बाढ़ क्या होती है? हाँ अभी समझाती हूँ, रमेश आ बैठ जाओ, बैठो। ऐसा है जब लगातार और बहुत तेज बारिश आती है ना, खूब तेज वर्षा होती है, तो पानी ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे बाढ़ आ जाती है। खेत खलिहान, नीची सड़कें और नीचे मकान सब डूब जाते हैं। हाँ तो ऐसी बाढ़ आने पर सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए, या फिर ऊंचे मकान की छतों पर चढ़ जाना चाहिए, ठीक है? मामा जी ने यही किया। हाँ मामा जी ने बिल्कुल अक्लमंदी का काम किया। हाँ और ऐसा है कि मामा जी ने जो धीरज दिखाया, ऐसी ही एक लड़की सीमा, जिसकी कहानी मैं तुम लोगों को सुनाने जा रही हूँ, हाँ सीमा ने बाढ़ आने पर धीरज के साथ साहस से काम लिया। हाँ सुनोगे तुम लोग कहानी? जी दीदी। अच्छा एक लड़की थी सीमा, वो रात में अपने घर में सो रही थी। हाँ और तभी उसके गांव में बाढ़ आ गई, और इतनी तेज बारिश के साथ बाढ़ आई कि गांव वाले घबरा गए और वो लोग चिल्लाने लगे, शोर मचाने लगे। हाँ जिससे सीमा की आंख खुल गई और वो जग गई। जब वो उठी तब उसने देखा उसके पूरे कमरे में पानी भर गया है और वो डर गई। उसने कहा अब मैं क्या करूं, उसे लगा कि मैं तो पानी में डूब जाऊंगी। लेकिन सीमा बहुत साहसी थी, उसने साहस नहीं छोड़ा, उसने क्या किया, सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़ गई। दीदी आगे क्या हुआ? हाँ आगे वो पूरी रात छत पर ही बैठी रही। हाँ और उसके बाद जब सुबह हुई तो चारों तरफ पानी ही पानी था। हाँ उसी के घर के बगल में एक बड़ा ऊंचा मकान था, जिसकी छत पर गांव के आधे से ज्यादा लोग उसी पे बैठे हुए थे। उन्होंने जब सीमा को देखा कि वो अकेली अपने घर में बेचारी बैठी हुई है, तो उन्होंने अपने घर से, अपने घर की छत पर से सीमा की छत पर रस्सी फेंकी। और सीमा तो साहसी थी ही, और उसने वो रस्सी पकड़ी और पड़ोसी की छत पे पहुंच गई। दीदी सीमा बच गई ना? हाँ बिल्कुल बच गई, क्योंकि वो साहसी थी। गांव में बाढ़ आया देखकर बचाव करने वाले लोग वहां पहुंच गए और नाव की सहायता से सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। हाँ और सीमा भी नाव में बैठकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई, और उसी के पिताजी तभी थोड़ी देर में वहां पहुंच गए और उसको सकुशल देखकर इतने खुश हुए कि उसको गले से लगा लिया। हाँ कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी। दीदी ये कहानी तो हमारी पुस्तक भाषा किरण में है। भाषा किरण के 5वें पाठ में है ये कहानी। हाँ अच्छा सुधा, ये कहानी ही तुम पूछ रही थी ना, चलो पढ़ो। सभी लोग थोड़ी थोड़ी ये कहानी पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है? पढ़ो। रात का समय था, सीमा घर में अकेली थी। उसके माता पिता तीज का सामान लेकर दीदी के घर गए थे। अचानक शोर सुनकर सीमा उठी। गांव में हल्ला हो रहा था, भागो भागो बचाओ बचाओ। गांव में
बाढ़ आ गई थी। सीमा ने दरवाजा खोला। बाहर बरामदे में तेजी से पानी बढ़ रहा था। वह भागकर घर में लौटी और घर का सामान ऊंची जगहों पर रखने लगी। देखते देखते घर में घुसने लगा। थोड़ी देर में ही पानी कमर तक आ गया। हाँ मीना, अब आगे की कहानी तुम पढ़ो। सबको समझ में आ रही है ना कहानी? जी जी, हाँ। चलो मीना पढ़। सीमा बरामदे में आई तो उसे लगा वो पानी में डूब जाएगी। सामने पास की एक सीढ़ी रखी थी। आंगन में सीढ़ी लगाकर वो तुरंत छत पर चढ़ गई। हाँ, अब यहाँ तक की कहानी से मैं तुम लोगों से प्रश्न पूछती हूँ, ठीक है? सब लोग जवाब देंगे? जी दीदी। अच्छा, सीमा घर में अकेली क्यों थी? दीदी मैं बताऊँ? हाँ बताओ मोहन। सीमा के माता पिता तीज का सामान लेकर दीदी के घर गए थे, इसलिए सीमा घर में अकेली थी। बिल्कुल ठीक। एक प्रश्न और पूछती हूँ। सीमा ने बढ़ता पानी देखकर क्या किया? दीदी मैं बताऊँ? बताओ बताओ सुधा। सीमा ने बढ़ता पानी देखकर आंगन में सीढ़ी लगाई और उस पर छत से चपर चढ़ गई। बिल्कुल ठीक। हाँ मीना, लाओ अब आगे की कहानी रजनी पढ़ेगी। हाँ जी दीदी। चलो रजनी, आगे की कहानी पढ़ो। सीमा रात भर छत पर बैठी रही। सभी को अपनी जान की पड़ी थी, उसका ध्यान किसे आता। सुबह हुई, सीमा घर के खपरेल पर बैठी चारों ओर देख रही थी। उसके चेहरे पर उदासी थी। पड़ोस में एक बहुत बड़ा पक्का मकान था। उसके छत पर बैठे लोगों ने सीमा को देखा। उन्हें सीमा को बचाने की चिंता हुई। दीदी हाँ? मैं पढ़ू? तुम पढ़ोगी? अच्छा पढ़ो, आगे का पढ़ो। उन लोगों ने एक मजबूत रस्सी सीमा के पास फेंकी। उसने रस्सी पकड़ ली। लोगों ने रस्सी के सहारे उसे ऊपर खींच लिया। उसे खाने के लिए भोजन दिया, पर सीमा से खाया ना गया। उसी दिन बचाव कार्य के लिए दो नाव और एक मोटर बोट आई। एक नाव में कुल 15 लोग बैठ सके। सीमा भी उसी नाव से सुरक्षित जगह पहुँच गयी। उसके पिता भी वहाँ आ चुके थे। सीमा से मिलकर वे बहुत खुश हुए। अब यही पे कहानी पूरी हो गयी ना? अच्छा, अब मैं इस कहानी में से तुम लोगों से एक शब्द का वाक्य प्रयोग पूछती हूँ। सब लोग बताएंगे? जी दीदी। अच्छा, इसमें एक शब्द आया है उदासी। उसके चेहरे पर उदासी थी। हाँ, अब इसको वाक्य में प्रयोग कौन करेगा? मैं बताऊँ? हाँ रजनी बताओ। फसल डूब जाने से मोहन के चेहरे पर उदासी छा गई। बिल्कुल ठीक बताया रजनी तुमने। अच्छा, एक शब्द और है अचानक। इसको वाक्य में प्रयोग कौन करेगा? कौन करेगा? मैं ही बताती हूँ। हाँ रजनी ठीक है, तुम ही बताओ। अचानक ठोकर लगने से मीता हाँ? गिर गई। हाँ बिल्कुल ठीक, दोनों ही शब्दों का वाक्य प्रयोग रजनी ने बताया। अच्छा, बाढ़ से कैसे बचाव करेंगे इसको तुम लोग कल लिख के लाना, ठीक है? मगर दोनों ही वाक्यों का प्रयोग तो किसी ने लिखा नहीं, जिसको की इस कागज पे लिखना है। चलो एक एक करके लिखो। तुम लिखो रजनी और तुम सुधा, ठीक है? अच्छा ऐसी, हाँ लिखो वाक्य प्रयोग। तुम उदासी का लिखो। पेन कहाँ है? लो। चलो तुम उदासी का वाक्य प्रयोग लिखो और तुम अचानक का। बाढ़ में फसल डूब जाने से मोहन के चेहरे पर उदासी छा गई। अच्छा अचानक का हो गया। अचानक धक्का लगने से, देखो भाई सब लोग, अचानक धक्का लगने से मीता गिर गई, ठीक है? कितना अच्छा वाक्य प्रयोग किया ना रजनी ने। अच्छा तुमने लिख लिया। अच्छा अब तुम्हारे वाक्य का प्रयोग दिखाऊं। बाढ़ में फसल डूब जाने से मोहन के चेहरे पर उदासी छा गई। सबने देखा? जी। ठीक है, बहुत अच्छा है ना? जी। ऐसे ही बहुत अच्छे से वाक्य प्रयोग किया जाता है छोटे छोटे वाक्यों में।